पालक पनीर तो सभी बनाते हैं और बहुत बार खाए होंगे और बहुत टेस्टी भी लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पनीर नहीं है और पालक की सब्जी बनानी है तो फिर क्या करें। चलिए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस, एकदम रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी पालक रेसिपी, वो भी बिना पनीर के। और इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा जब इसमें तड़का पड़ेगा लहसुन का। तो ये सुपर इजी एंड हेल्दी लहसुनी पालक बनाने के लिए मैंने एक बड़ा पालक का बंच लिया है और इसको अच्छे से साफ करके धो लिए है। इसको अभी ब्लंच कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिए है। अब इस गर्म पानी में सारे पालक को डाल देंगे। इसको ऐसे प्रेस करके दबा के डुबो देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही पत्ते अच्छे से बॉईल और सॉफ्ट हो गए हैं और हरे हो गए हैं। तो इसका हरा रंग कायम रखने के लिए हम गैस को बंद करके इसको गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसको हम डालेंगे एक ठंडा पानी का बॉल में, एकदम चिल्ड पानी में। इससे क्या होगा, पत्ते का रंग बिल्कुल हरा रहेगा। अब हम पत्ते को पानी से निकाल के पीस लेंगे। तो पालक के पत्ते को एक ब्लेंडर में ले लेंगे। इसके साथ 3 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां डालेंगे ब्लेंडर में और इन सारी चीजों को दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह दरदरा प्यूरी बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लिए है 1 टेबलस्पून घी। आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज कर सकते हैं। इस पे हम डालेंगे 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इनको लो फ्लेम में सॉटे करेंगे। डालेंगे एक बड़ी साइज की बारीक कटे हुए प्याज। अब इन्हें सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। ये प्याज भून चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके वजह से इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बेसन, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे प्याज के साथ ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये बेसन भुन चुके हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे पालक की प्यूरी और थोड़ी सी पानी। इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पे मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज किए हैं। वो इसलिए ताकि इसका जो हरा रंग है वो कायम रहे। तो अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं। और डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये रेडी हो गया है, तो अब इसे गैस से उतार लेंगे। अब बनाते हैं सुपर फ्लेवरफुल तड़का, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च बीच में से तोड़ के, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ बारीक, बिल्कुल नहीं चाहिए और पिसा हुआ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही टुकड़ों में चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए, जैसे कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए।
सर्विंग डिश में पालक ग्रेवी को निकाल लेंगे। देखिए कितनी प्यारी कलर आई है, एकदम हरा। तो बस ये गर्मा गर्म रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि हमने पालक को पहले ही पका लिए थे। अब इसमें हम डाल देंगे ये गर्मा गर्म लहसुन की तड़का। आप चाहो तो ये तड़का ऑयल या फिर बटर में भी बना सकते हैं, पर घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। वाओ, बन गई हमारी सुपर फ्लेवरफुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में लहसुनी पालक। इसे मिक्स कर लेंगे, देखिए टेक्सचर भी कितनी अच्छी आई है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है, जरूर एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय, टेक केयर।